मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन की चपेट में आने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी। हालांकि मृतक की पहचान कल नहीं हो पाई थी, मगर उस मृतक व्यक्ति की पहचान अब हो गई है। इस मृतक शख्स का नाम शेख अब्दुल लतीफ 46 वर्ष है, जो मुंब्रा के सुप्रीम टावर मोतीबाग अलमास कॉलोनी 7 मस्जिद के नज़दीक कौसा में रहता था। कल इस शख्स की मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर लोकल ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार शेख अब्दुल लतीफ 46 वर्षीय की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी, यानी कि इनका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता था। हमेशा ये अपने घर में ही रहते थे, मगर कल सुबह करीब 10 बजे के आसपास में वो अपने घर से लापता हो गए और मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर 11:03 पर लोकल ट्रेन से हादसा होने की खबर सामने आई। इधर परिवार के लोग शेख अब्दुल लतीफ की तलाश में सोशल मीडिया में मैसेज वायरल करने लगे, जिसके बाद खबरों के जरिए अब्दुल लतीफ के परिवार को मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हादसे की जानकारी मिली। परिवार के लोगों ने जब जीआरपी में संपर्क किया तो लाश की पहचान शेख अब्दुल लतीफ 46 वर्षीय के रूप में हुई है। परिवार के लोगों ने बताया है कि कानूनी कार्रवाई पूरी किया गया, जिसके बाद शेख अब्दुल लतीफ की डेड बॉडी परिवार को अब मिल गई है। यानी कि कल जिस तरह से मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर 11:03 पर हादसा हुआ था, उसके बाद वहां पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था और इस जो हादसे में जिसकी मौत हुई थी उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उस शख्स की पहचान हो गई है जो मुंब्रा के अलमास कॉलोनी सुप्रीम टावर का रहने वाला था, जिसका नाम शेख अब्दुल लतीफ 46 वर्ष के था।